नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से आए नदी माचना नदी पे। दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने आपको जो कल वीडियो डाला था वो कम से कम ब्रिज के एक फीट नीचे था। अभी मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुँचा दोस्तों, जो पानी का फ्लो है इससे कम से कम एक मीटर ऊपर जा रहा था ब्रिज के। अभी भी देखिए दोस्तों, आपको जूम करके दिखाने की कोशिश, ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। ये देखिए पूरी पब्लिक खड़ी हुई है वो साइड में भी और ये साइड में, तो देख ही सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आप। ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है दोस्तों, पीछे तक कम से कम दो दो तीन तीन किलोमीटर तक जाम लग चुका है। ये देखिए आप, वो तो एक जो ऊपर इसके वो लगे हुए ना स्टॉपर लगे हुए दोस्तों, ये देख ले उस साइड का टूट के भी ऊपर आ गया है। ये देखिए आपको अभी मैं वो साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा हेडपंप के पास से। ये देखिए दोस्तों एक मीटर तक ऊपर जा रहा था दोस्तों, ये जो ये कीचड़ देख सकते हैं ना, पूरा कीचड़ आ चुका है ऊपर, ये पूरा भरा हुआ था यहाँ से। वो जो पोल देख रहे हैं आप, पोल का जो अपना लेवल है ना वो नीचे कंक्रीट का, उस लेवल तक पानी आया था ऊपर। ये देख सकते हैं आप, पूरा कीचड़ आ चुका है, बहुत पूरे लोग खड़े हुए इधर से पूरा देख रहे हैं व्यू। वो साइड भी दोस्तों देख सकते हैं आप, इतने लोग खड़े हुए हैं। माचना नदी का आज महातांडव रूप, क्योंकि दोस्तों आज जो ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, आज मैं बैतूल साइड गया था सुबह, उस टाइम में नहीं था जाना नदी है, तो हमारा ऊपर जो बैतूल तक हमारा काम है, तो एक नीमपानी गांव पड़ता है जो, वहां पे एक मंदिर है, वो मंदिर के भी कम से कम एक एक मीटर तक पानी ऊपर जा रहा था हमारे जो हमने ब्रिज बना रखा उसके ऊपर का। तो वहाँ पे क्या दोस्तों, वहाँ मैं जो लोकल लोग हैं उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं यहाँ से हमने आज तक कभी पानी ऊपर से जाते नहीं देखा। मतलब मान के चलिए आप सोच सकते हैं फिर कितना हैवी बारिश रेन हुआ होगा, कितना हैवी मतलब फ्लो होगा वो, जिससे मतलब ये फिर ये नदी है जो पूरी उधर से ही घूम के आती है दोस्तों, पूरा वो बैतूल से लेके ना कम से कम यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर वहाँ तक का पूरा पानी इसी नदी में आता है। तो बारिश मतलब 3 से 4 घंटे इतनी हैवी बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ है कि मैं गाड़ी चलाना भी मेरे को मुश्किल हो गया था। बहुत बहुत मेरे को 2-3 बार तो मेरे को गाड़ी खड़ा करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके आगे अभी देख ही सकते हैं, बारिश का नतीजा ही है ये। अभी तो थोड़ा बहुत जो हमने सोपर लगा रखे साइड में वो थोड़े नंगे होने लग गए हैं, दिखने लग गए हैं, इससे पहले तो पानी बहुत ऊपर तक था दोस्तों। ये नल है, जो नल पूरा डूब चुका था दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये जहाँ पे अभी ये बाबा लोग बैठे हैं, कितना पानी होगा फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही। यह महा माचना नदी का, माँ माचना का तांडव रुद्र रूप दोस्तों। वो साइड तो अभी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पूरा प्रशासन के लोग उस साइड भी बैठे हुए, हमारी कंपनी के लोग भी उस साइड बैठे हुए हैं, ये साइड भी बैठे हुए, आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो क्या है अभी, एक व्यू इधर से ही दिखा सकता हूँ मैं, तो आपको ब्रिज के ऊपर जाके भी मैं इसका व्यू दिखा सकता था। कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन कैसे इनको अनुमति मिल गई ऊपर जाने की। हाँ, ये लकड़ी निकालने के लिए गए दोस्तों, वो देखिए आप, लकड़ी बह के आ गई है एक, वो लकड़ी निकालेंगे। ये देखिए ये लोग अभी जा रहे हैं, ये देखिए ये है दोस्तों, ये लोग जान जोखिम में डाल के सब काम करते हैं एक लकड़ी के लिए सिर्फ। तो लेकिन अभी पुलिस वालों ने इनको लकड़ी के लिए भेजा, और ये जो हमारा टूट गया हुआ ना दोस्तों, ये देखिए इसको रस्सी डाल दिया, जबकि इसको रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं किसने बोल दिया, अभी मेरे को ही जाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा ही फ़र्ज बनता है, हमारा ये हाईवे का काम हमारा ही है, हमारी कंपनी का ही है, हमारा फ़र्ज बनता है हम आगे होंगे, हम ये ट्रैफिक है जो क्लियर करें, जितना जल्दी पानी उतर जाए उसके बाद हम ये ट्रैफिक क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आज तक के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों, जब ट्रैफिक चालू होता हूँ उसके बाद ही आपको डालता हूँ मैं। नगर पालिका के लोग हैं जो है अभी इसको पिलर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नहीं निकालना चाहिए, हमारा जेसीबी आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वो हमारी कंपनी का जेसीबी है, पुलिस वाले क्लियर करवा रहे हैं, जेसीबी आगे आ जाएगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जबकि इनको ऐसा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें। अभी रास्ता हो गया क्लियर, जेसीबी आ गया अपना आगे, ये देख सकते हैं आप, डब्ल्यूएम लगेगा यार। भैया देखिए अभी हम माचा के पास में इसके, ये जो तो हम नीचे गिरा देंगे अभी, क्या किसी काम का तो रहा नहीं अभी, ये देख सकते हैं आप पास से भी दोस्तों।
पूरा डामर उखड़ चुका है, ये हो गया क्लियर पूरा। तो दोस्तों अभी क्या है, पानी नीचे उतरने के बाद ही पता चलेगा डामर कहाँ से उखड़ा है और कहाँ से डैमेज हुआ ब्रिज को। डैमेज तो बहुत हुआ है देख सकते हैं आप, तो अभी पानी उतरने के बाद आपको पूरा बताता हूँ मैं। तो भाई देख सकते हैं आप, उस साइड से भी अपना ग्रेडर आ चुका है कंपनी का, पुलिस वाले कर रहे हैं उसको साइड में, ट्रैफिक को साइड करवा रहे हैं और ग्रेडर आज के रुक चुका है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, जैसा ही पानी नीचे जाता है ग्रेडर का ब्लेड मार देगी, जो हल्का फुल्का कीचड़ है जिससे गाड़ियां ना फिसले, बाइक वाले ना फिसले, तो वो क्लियर कर देगा। बाकी ये जो लकड़ी के गिट्टे हैं ये जेसीबी सही कर देगी और उसके बाद हो जाएगा ट्रैफिक चालू। लगभग पानी पूरा डाउन हो चुका है देख सकते हैं, अभी अपना ग्रेडर आ रहा है इधर। ब्रिज के ऊपर का तो लगभग सीन ठीक है दोस्तों, हल्का फुल्का जो डीवीएम हमने किया था वो निकल चुका है, वो तो फिर से करना ही पड़ेगा। बाकी डब्ल्यूएम को कुछ नहीं हुआ है, डब्ल्यूएम अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया सेट है। तो अभी ग्रेडर आ रहा है ये साइड में, वो साइड में दोस्तों कुछ नहीं ज़्यादा, ये साइड में ही कीचड़ है ज़्यादा, तो थोड़ा कीचड़ है जो उसको साफ करेंगे हम। तो भाई देख सकते हैं आप, ग्रेडर आ गया हमारा ये साइड में, अभी हम 10 मिनट के बाद ट्रैफिक भी चालू हो ही जाएगा लगभग। यहाँ केबल है दोस्तों जो इनकी ए साइड में आ गई थी, इसलिए उसको बचाने के चक्कर में थे, तो ग्रेडर आ गया अपना ए साइड में। तो दोस्तों अभी 10 मिनट बाद ट्रैफिक भी लगभग चालू हो ही जाएगा, अपना ग्रेडर जा रहा है अभी। तो भाई देख सकते हैं ये देखिए कीचड़, ये कीचड़ साफ करना है अपने को, ये कीचड़ है दोस्तों, इसके लिए हमने ग्रेडर बुलाया है। बाकी ऊपर तो ब्रिज के कुछ नहीं है, तो कीचड़ साफ करना है अपने को। तो अभी हो जाएगा दोस्तों 10 मिनट में ट्रैफिक चालू। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही आपसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।